देखिए शोभना, मैं आपको जानकारी दूं कि जब से पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से वापस लौटे थे, उनकी जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो आसपास के जो करीबी लोग थे, जिस तरीके का जो है उनमें एक खुशी की लहर थी, वो कहीं ना कहीं कल से ही पता लगने लग गया था कि जो है धामी का नाम जो है फाइनल कर दिया गया है, लेकिन उसका औपचारिक जो है घोषणा होना। और इस वक्त एक बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने धामी को बधाई दी है। केशव प्रसाद मौर्य की बधाई क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि वो भी अपनी सीट से हार गए। बीजेपी उत्तर प्रदेश में बढ़िया जीत के साथ दोबारा सत्ता में आई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से हार गए। और ऐसे में उनका ये ट्वीट कहीं ना कहीं ये बताता है कि केशव प्रसाद मौर्य भी कतार में है। बीजेपी विधायक दल के नेता पुनः चुने जाने पर हार्दिक बधाई। हालांकि हमें जानकारी है कि केशव प्रसाद मौर्य को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी रास्ता लगभग क्लियर ही है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो अपना चुनाव हारे और यहाँ उत्तराखंड में देखिए धामी भी अपना चुनाव हारे, लेकिन दिल जीते, और दिल जीते उन तमाम लोगों का जिनको इस बात का फैसला करना था कि उनका नेता कौन होगा, यानी वो तमाम विधायक जिनको जनता ने चुना, और एक बार फिर से उनके नाम पर मोहर लगी और खबर सामने आई, केशव प्रसाद मौर्य क्या वो कैबिनेट में मंत्री होंगे उत्तर प्रदेश की? अब ये बड़ा सवाल बचता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग चुकी है, उनके नाम पर किसी को कोई एतराज नहीं। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है, यह कांग्रेस को समझना चाहिए। उत्तराखंड के चुनाव नतीजों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अब जब उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो उत्तराखंड की राजनीति में फिल्म पुष्पा का डायलॉग फिट बैठ गया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की राजनीति के फायर बन गए हैं, जो चुनाव हार कर भी फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा, न किसी भी सूरत में रुकेगा, हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहे। पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड चुनाव में सभी ने धामी के कामों को खूब सराहा और उन्हीं के कप्तानी में चुनावी मैदान में उतरे। और जब 10 मार्च को नतीजे आए तो जनता का भरोसा भी 47 सीटों पर जीत के साथ सामने आया, लेकिन धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए। लेकिन हार के बाद भी पुष्कर सिंह धामी राजनीति के बाजीगर साबित हुए, क्योंकि धामी के सीएम रहते ही बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। बतौर सीएम धामी को खुद को साबित करने के लिए कम मौका मिला। युवा चेहरा हैं और विवादित बयानों से दूर रहते हैं। धामी को सीएम बनाने के पक्ष में कई बीजेपी विधायक और निर्दलीय विधायकों ने भी सीट छोड़ने की पेशकश की थी, जो ये बताता है कि पार्टी में उनकी पकड़ और लोकप्रियता दोनों मौजूद हैं। हार के बाद भी पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रिय नजर आए, देहरादून से लेकर दिल्ली तक की तस्वीर में बने रहे, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, और अब एक बार फिर पहाड़ की कमान संभालते हुए धामी ने बता दिया है कि वो राजनीति के बाजीगर भी हैं और फायर भी। उत्तराखंड में धामी रिटर्न्स, अब ये क्लियर हो गया है। ध्रुव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ध्रुव, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि वहां पर अब वो जो जश्न का माहौल है वो है कि नहीं, क्योंकि आप पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, पहला। दूसरा, बहुत से लोग खुद ये आकर अपनी वकालत कर रहे थे कि हम भी सीएम की रेस में सबसे आगे हैं, उनके रिएक्शन आने लगे हैं कि नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड ही सही? ABP News, आपको रखे आगे।